हमारे साथ आज खास बातचीत में है सीबीडीटी चेयरमैन मिस्टर नितिन गुप्ता सर। सर, शुरुआत करना चाहेंगे टैक्स कलेक्शन नंबर्स पे। अभी तक के टैक्स कलेक्शन नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, आगे की कैसी उम्मीद है? क्योंकि सर, सब कुछ इकनॉमी पे डिपेंड है और वर्ल्ड ओवर हम देख रहे हैं कि एक टर्बुलेंस है इकनॉमी के अंदर। अभी तक के जो हमारे इनकम टैक्स कलेक्शन के नंबर्स बहुत ही रोबस्ट हैं, हेल्दी हैं और हम आशान्वित हैं कि ये अच्छे रहेंगे। भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारी ग्रोथ रेट है, उसको देखते हुए हम आशान्वित हैं कि हम इसको एक्सीड ही करेंगे। परंतु सही विश्लेषण हम सितंबर के माह में कर पाएंगे, जबकि दूसरा इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का हमें मिल जाएगा और हमारे सामने कुछ फिगर्स फर्दर होंगे एनालिसिस करने के लिए। सर, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लग रहे हैं जो इस समय सही चलेंगे, जहां से एक टैक्स कलेक्शन अच्छा हो सकता है? हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं और सभी सेक्टर्स मोर और लेस बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस समय। उसका ही इफेक्ट है कि हमारा जो चाहे पर्सनल इनकम टैक्स है या कॉरपोरेशन टैक्स है, वो रोबस्ट है, अच्छी ग्रोथ है दोनों में। और सब हेड्स में भी, चाहे एडवांस टैक्स ले लें, चाहे हम TDS ले लें, सेल्फ असेसमेंट ले लें, सभी में अच्छी इसीलिए ग्रोथ नज़र आ रही है। सर, इस बार एक चीज़ और अच्छी रही, जब टैक्स रिटर्न्स बढ़ने थे तो जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं विदाउट ग्लिच चली। सर, क्या लग रहा है सर, और इसमें क्या अपडेशन होना चाहिए जिससे आने वाले समय में और स्मूथली कामकाज हो सके? मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जो हमारे विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और टैक्स पेयर्स की उनने हमारा साथ दिया और इस व्यवस्था को माकूल बनाने में और अनुकूल बनाने में हमें सहयोग दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। अभी हमारा दूसरा सीज़न रिटर्न फाइलिंग का आएगा 30 सितंबर का। अभी हमारा प्रयास यही है कि हम जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिनको अभी इस 30 सितंबर की डेट में रिटर्न फाइल करना है, उनको भी वही अनुभूति हो, वही सुविधा मिले जो कि 31 जुलाई को हम दे पाए थे। तो हमारा पहला प्रयास तो यही है और दूसरा, हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हम टैक्स पेयर को किस प्रकार से फैसिलिटी दे सकते हैं, कितनी सहूलियत प्रदान कर सकते हैं। कॉल सेंटर्स हमारे चालू हैं, सभी प्रकार के फ़ोन पे हम लोगों से इंटरेक्ट करके उनको भी बताते हैं कि किस प्रकार से जाए आगे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो हमारा प्रयास निरंतर है और मेरा ये सोचना है कि भविष्य में हम और इसको बेहतर बना पाएंगे। सर, एक सरकार ने या कहें किसी CBDT ने एक स्कीम थी फेसलेस, उसमें सर जो निवेशक या कहेंगे जो रिटर्न्स फाइल करते हैं उनको एक एक या बात, ये साइकोलॉजिकल बात भी हो सकती है कि थोड़ा सा पर्सनल हेयरिंग नहीं मिल पाती है। तो इसको कैसे, इन शिकायतों को कैसे सर स्ट्रीमलाइन किया जाए, इस पे CBDT कुछ विचार कर रहा है? CBDT में फेसलेस स्कीम को पूर्णतः लागू करने के लिए कटिबद्ध है और हम इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं कि हमारे जो टैक्स पेयर है उसका अनुभूति, अनुभव अच्छा हो। जैसा आपने कहा कि पर्सनल हियरिंग देने का, वो और कई अन्य मुद्दे जो थे वो हमने समावेशित किए हैं एक नए, हमने SOP जारी किया है अपने अधिकारियों के लिए और उनको ये निर्देशित किया है कि वो एक जब भी टैक्स पेयर से जब भी ई कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें उचित समय दें जिससे कि वो उसके जो क्वेरीज़ हैं उनका जवाब दे पाए। और असेसमेंट से पहले अगर टैक्स पेयर चाहता है कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी दी चाहिए उसको, तो वो भी प्रदान की जाए। साथ में हमने ये भी आगाह किया है कर निर्धारण अधिकारियों को कि वो शो कॉज नोटिस, एक डिटेल शो कॉज नोटिस असेसमेंट करने से पहले जारी करे, जिससे कि टैक्स पेयर अपना जो भी व्याख्यान है, जो उसको अपना कहना है, वो प्रभावी तौर पर उन तथ्यों के मद्देनज़र वो आयकर अधिकारी को वो अपना वक्तव्य दे पाए, अपना साइड ऑफ स्टोरी प्रेजेंट प्रॉपर्ली कर पाए। और ये भी हिदायत दी गई है कि वो इन सब बातों को निर्धारण जो आदेश है उसमें समावेशित करे, उसमें इनकॉर्पोरेट करे। तो मेरे ख्याल से इससे
अगर ये सब चीज़ें की जाती हैं तो करदाता को अधिक सुविधा होगी और उसका जो पक्ष है वो समझने में बेहतर स्थिति में होगा कर निर्धारण अधिकारी। सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जो बेनामी एक्ट है वो 2016 के पहले रेट्रोस्पेक्टिव यूज़ नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ था जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ कर पाता था और बहुत सारे एक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब सीबीडीटी क्या उनका आगे का रोल रहेगा, क्या कैसे रिव्यू होगा, या लॉ मिनिस्ट्री को आप वापस इस चीज़ के लिए रिव्यू के लिए भेजेंगे, किस तरीके से इस चीज़ पे इसका हल निकाला जाए? जिस निर्णय के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं वो पिछले हफ्ते ही आया है और हम इस निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण कर रहे हैं और उसके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। 2016 के बाद तो कानून की स्थिति स्पष्ट है, इसलिए 2016 के उपरांत उसमें विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु जो 2016 से पहले के मामले हैं उनमें ही इसका प्रभाव पड़ता है, तो उसकी स्थिति हम विश्लेषण करके और सूटेबल जो भी कार्यवाही होगी वो की जाएगी और हम इसके लिए आगे कार्यवाही कर रहे हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। सर, बजट अगले साल का फुल फ्लेज होगा, बहुत जल्दी है ये सवाल पूछना, लेकिन क्या लगता है सर, रेवेन्यू कलेक्शन दोनों तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में अच्छा हो रहा है, तो कहीं कुछ उम्मीद, कुछ सिंप्लीफिकेशन जो एक मिसिंग मिडिल क्लास है उसके लिए होगा? देखिए, सरकार पहले से ही विभिन्न वर्गों के लिए बहुत ही सेंसिटाइज्ड है और आप देखें तो उच्च जो वर्ग है उस पर इफ़ेक्टिव टैक्स रेट अधिक है और निम्न वर्ग पे, जो डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो कम है। मध्यम श्रेणी के जो हम जो मिडिल क्लास के लिए वो मिडिल लेवल की रेट ऑफ टैक्सेशन है, तो सरकार पहले से ही काफ़ी सेंसिटाइज्ड है इस चीज़ के लिए और इसलिए ये चीज़ कहना कि और फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट हो वो हम सभी आशान्वित रहते हैं, और परंतु चूंकि ये पॉलिसी कॉल है और सरकार अप्रोप्रिएट समय पर ही लेगी, जब बजट के आने की स्थिति में ही सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके लिया जाएगा, सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो मतलब हमें होप रखनी चाहिए कि सैलरीड पर्सन के लिए कुछ ना कुछ होगा, ये कहना अभी बहुत ही, चूंकि बजटरी एक्सरसाइज का पार्ट है और अभी चूंकि बजटरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, परंतु सब आशान्वित रहते हैं और सरकार, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही सेंसिटाइज्ड है, हम लोग सब आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और जो भी उचित फैसला होगा वो सरकार लेगी। बिल्कुल सर, ये थे हमारे साथ सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता सर। सर का मानना है कि इस बजट में कुछ ना कुछ सैलरीड पर्सन के लिए होपफुल रहना चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तरुण शर्मा, जी बिजनेस, दिल्ली।